जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अपन पढ़ रहे हैं छायावाद को, तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी के लिए बताते हैं, हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की PDF अगर किसी के लिए चाहिए हो तो मात्र 199 रुपये की ये PDF है, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुध महाप्रयास कहा है? बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग। कल पल्लव, ग्रंथि, वीणा या फिर उच्छवास, चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। 366वां क्वेश्चन यहाँ पर है और अर्चिता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अनिल जी क्वेश्चन नंबर 66 में विकल्प नंबर सी सही आंसर है, यानी कि वीणा यहाँ पर सही आंसर होगा। वीणा जो है सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है, जो बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है, इसके लिए पंत जी की काव्य कृति पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है। और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 67वां क्वेश्चन है, कामायनी का नौवां सर्ग कौन सा है? देखिएगा, हमने आपके लिए बताया भी था कि कामायनी के सर्ग पूछे जाते हैं, पांचवा सर्ग, प्रथम सर्ग, अंतिम सर्ग, यहाँ पर नौवां सर्ग पूछ लिया गया है। तो कर्ण, ईर्ष्या, ईड़ा या फिर स्वप्न है, तो सही आंसर चयन करना है। कामायनी में 15 सर्ग हैं और जयशंकर प्रसाद कृत जो है ये रचना महाकाव्य मानी जाती है, और इसका जो नौवां सर्ग है वह ईड़ा है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी जो है भाई, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। इसके 15 सर्ग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 सर्ग है कामायनी के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 67वां क्वेश्चन है, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? गीतांजलि से, कृतिवास रामायण से, रामचरितमानस से, वाल्मीकि रामायण से? 68 में आप सभी लोग चयन करेंगे, 68 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है ये आपको बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर जो डी है वह सही आंसर है, कृतिवास रामायण से। डी नहीं, सॉरी, बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा 1936 कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई रचना है, यह एक लंबी कविता है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कौन सा, 69वां क्वेश्चन देखिएगा, छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णता सही है? आत्मा भी व्यंजना, शोक और वेदना की प्रवृत्ति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा अमानवतावाद, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा असमन्वयवाद या फिर लाक्षणिकता एवं रहस्यवाद का अभाव। 69 में आप सभी को बताना है छायावाद काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से कौन सा विकल्प पूर्णता सही है, सही बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, आत्मा भी व्यंजना सुख और आत्मा भी व्यंजना दुख और वेदना की प्रवृत्ति, ये वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। और भी इसकी विशेषताएं छायावाद की, जैसे राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा मानवतावाद, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा समन्वयवाद, रहस्यात्मकता, प्रकृति वर्णन, कल्पना की प्रधानता, ये मानी जाती हैं छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 70वां क्वेश्चन है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन मानी जाती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, पंकज जी, तनु जी, साधना जी, आरती जी, क्या होगा सही आंसर? हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता मानी जाती हैं कौन? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो है भाई, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है, भगवती चरण वर्मा आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर दिया गया है, 71वां क्वेश्चन है, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं, सींच दूंगा मैं, ये आपके लिए बताना है, उपरोक्त पंक्तियों की रचयिता कौन है? नई नई पंक्तियां अपन के लिए यहाँ पर पढ़ने को मिल रही है,
संजू जी, तो बताइएगा क्या होगा सही आंसर? सुमित्रानंदन पंत, शमशेर बहादुर सिंह, नांगर जोन या फिर निराला? 371 में आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है, 371 का आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरिता जी बिल्कुल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा 72वां क्वेश्चन है? कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है, ये आपके लिए बताना है। पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला या फिर राम नरेश त्रिपाठी? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 72वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कुकुरमुत्ता कविता अपन ने कई बार पढ़ी है ये कविता, और ये किन की कविता मानी जाती है ये चयन करना है। 72वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये मानी जाती है किनकी? निराला। कुकुरमुत्ता निराला जी की कविता मानी जाती है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि और गुलाब पूंछी वर्ग का प्रतिनिधि है इसमें, कुकुरमुत्ता में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? दिनकर की रचना रसबंती है या फिर मुकुल है, रश्मि रेखा है, पाथे है, कौन सी रचना है? 73 में सही आंसर चयन करिएगा निर्मला जी, और क्या होगा आप सभी का सही आंसर? सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जाते हैं और यहाँ पर बताना है दिनकर जी की रचना कौन सी है। 73वां क्वेश्चन दिया गया है और रसबंती आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, रसबंती आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान हैं, और ये तो आप सभी को पता ही होगा। समय का सूर्य और अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है बताइए? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है चयन करिएगा। चंद्रबान जी बहुत बहुत बधाई है, इन्होंने जो है आज इनका वर्ग एमपी टेट में वर्ग 2 में जो है इनका पेपर था, और इन्होंने सुबह की शिफ्ट में 128 नंबर जो है का पेपर कर कर आए हैं, बिल्कुल। निम्नलिखित में से आप सभी के लिए बताना है, चयन करना है, प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है चयन करिएगा ये यहाँ पर, और आप सभी का सही आंसर होगा आंसू। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आंसू आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? बाल काव्य है, रीति काव्य है, महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है? ये 375वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अंजलि, कमलेश जी, दीपक जी, और 375 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? उर्वशी का काव्य रूप क्या है चयन करना है सभी के लिए। 75वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि यहाँ पर ये महाकाव्य होगा सही आंसर, सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, मधुमय बसंत जीवन बन की इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? वृद्धावस्था का, सौंदर्य का, माधुर्य का, यौवन का? 76 में आप सभी लोग चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है, मधुमय बसंत जीवन बन के इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है ये बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है लवली जी, विकल्प नंबर डी सही आंसर है, यौवन का। यौवन आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। यह पंक्ति प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के काम सर्ग से है, कामायनी में 15 सर्ग हैं जो कि अब भी अपन ने पढ़े भी थे। केंचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? अंचल, पंत, निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? चयन करिएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। केंचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? 77वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये तो सभी के लिए पता है, निराला, सभी लोग बता रहे हैं कि निराला जी ने केंचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। इन्हें हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर यहां पर 78 यहां पर दिया गया है, 78वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग परक रचना है। निराला जी की व्यंग परक रचना तुलसीदास है, जूही की कली है, सरोज स्मृति है, कुकुरमुत्ता है। 378 में चयन करना है, बताइए 378 में आप सभी को चयन करना है क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का सही आंसर 78 में विकल्प नंबर डी वाला जो है कुकुरमुत्ता, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1942 की रचना है, निराला जी की एक प्रसिद्ध लंबी कविता जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बयान के बहाने करारा व्यंग किया है। इसमें कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है और गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 79वां क्वेश्चन, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है, यह कथन किस कवि का है। 79 में आप सभी लोग चयन करिएगा, बताइएगा क्या होगा सही आंसर, निराला प्रसाद पंत या फिर महादेवी वर्मा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 79 में। 79 में सही आंसर चयन करना है तो विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर है, सुमित्रा नंदन पंत। यह कथन किस कवि का है, सुमित्रा नंदन पंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है पंत जी को। पंत जी ने कविता को कल्पना की कानन रानी कहा है, पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, जो कि पूछा ही जाता है। उच्छ्वास वीणा ग्राम्या कलाओ बूढ़ा चांद लोकायतन चिदम्बरा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है, पंत, निराला प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। गीत गुंज बताना है, बताइए चयन करिएगा। 80वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, 80 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 380 में, निराला बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है। निराले गीत गूंज रहे, अपन ने याद किया था ना, निराले गीत गूंज रहे, निराले से निराला और गीत गुंज आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंत जी का महाकाव्य कौन सा, शिल्पी, छिदम्बरा, लोकायतन या फिर गुंजन। 81वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, 81 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, पंत जी का महाकाव्य चयन करना है। पंकज जी, तन्मय जी, सीमा जी और आनंद जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है। बहुत सारे लोग जो है अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। लोकायतन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, लोकायतन 1964 की रचना है और लोक जीवन का महाकाव्य पंत जी ने कहा है लोकायतन को, और इस पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सरोज स्मृति में सरोज कौन है, निराला की पुत्री, निराला जी की माता, निराला जी की पत्नी, निराला जी की प्रेमिका, बताइए। यहाँ पर आपके लिए बताना है, क्या बताना है, सरोज स्मृति में सरोज कौन है, बताइए चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, 382वां क्वेश्चन यहाँ पर है और 82 में आप सभी का सही आंसर है, निराला की पुत्री। निराला की पुत्री आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं तो बहुत बढ़िया, सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है। देखिएगा सरोज स्मृति में सरोज निराला की पुत्री है। सरोज स्मृति 1935 की रचना है। निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखी ये रचना मानी जाती है, सरोज स्मृति। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, अनामिका है, अर्चना है, आराधना है, अणिमा है, कौन सा है, बताइएगा चयन करिएगा सभी लोग। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करना दीपमाला जी और चंद्रवान जी, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 83 में, विकल्प नंबर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अनामिका। अनामिका आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर दिया गया है, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है, ये बताना है, बताइएगा चयन करिएगा।
निहार, रश्मि, नीरजा या फिर सांदगीत। 84वां क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेव वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, सांदगीत। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, सांदगीत जिन्होंने भी चयन किया है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेव वर्मा को। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, संदनी, नीलांबरा, आत्मिका, दीपगीत, इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 85। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, ऐ किसका कथन है। 85 में आप सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। ये चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर क्या है, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चार विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी यानी कि विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रकाशन वर्ष अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना। ये रचनाएं आपके यहाँ पर दी गई हैं, बताइए। 86वां क्वेश्चन यहाँ पर है और 86 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, चयन करना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार चयन करना है आप सभी के लिए सही आंसर। तो यहां पर कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 86 में सी सही आंसर है, मधुशाला 1935 की रचना है। मधुशाला, एकांत संगीत 1939 की रचना है और सतरंगिनी 1945 की रचना है, मिलन यामिनी 1950 की रचना है। तो विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, हरिवंश राय बच्चन की रचना मानी जाती है सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। गणेश जी, वैदेही जी, निराला, दिनकर, गणेश शंकर विद्यार्थी या माखनलाल चतुर्वेदी। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार यहां पर आप सभी के लिए चयन करना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 87वां क्वेश्चन है, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा, निराला आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। आप सभी से एक बार फिर से बोल दे रहे हैं यहाँ पर, थोड़ी सी बात ना करें क्योंकि और भी लोग जो पढ़ते हैं वह डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जो है क्लास के बाद आप लोग बहुत जो है बात कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 88 में बताना है, प्रसाद कृत कामायनी जो महाकाव्य है इससे संबंधित एक कथन सही नहीं है। इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। तो देखिए, पहला ही कथन यहाँ पर आपका कैसा है, असत्य, सत्य नहीं है, यानी कि इसके कथा जो है 16 सर्गों में है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसकी कथा जो है 15 सर्गों में है। क्वेश्चन यहाँ पर 89 दिया गया है, कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए हैं, बताइए। चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहां पर दिया गया है वो 89वां क्वेश्चन है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ है, तो आप सभी का यहाँ पर 89 में सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, प्रीति जी। सुमित्रा नंदन पंत आप सभी का सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य कौन सा है, बताइए। रेणुका है, हम बिस्पाई जन्म के, हिमकिरीटनी, मिलन, कौन सा माना जाता है, चयन करिएगा। 90वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 90 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, बालकृष्ण शर्मा नवीन क्या होगा सही आंसर, बनवारी लाल जी, डॉक्टर नीता जी,
इनका काव्य इनमें से बताना है कौन सा माना जाता है, तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर, हम बिस्पाई जन्म के। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का काव्य माना जाता है। रेणु का तो रामधारी सिंह दिनकर, हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन, हिमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी और मिलन जो है राम नरेश त्रिपाठी। इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है तो बताइएगा, निराला पंत प्रसाद या फिर से मंगल सिंह सुमन। मंजू जी चयन करना है सभी के लिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है, छायावादी कवि कौन नहीं है। 91 में आप सभी के लिए चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, देखिएगा पंत प्रसाद निराला, ये तो जो है छायावादी चार स्तंभों में गिने जाते हैं, छायावादी स्तंभों में महादेव वर्मा भी शामिल हैं, तो इस प्रकार ये चारों निराला पंत प्रसाद और महादेव वर्मा। सुमंगल सिंह सुमन छायावादी कभी नहीं माने जाते हैं, विकल्प नंबर आप सभी का डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा, ये बल्कि प्रगतिवादी कभी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, जो कि अब भी बताया था आप सभी के लिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेव वर्मा, उषा प्रियंवदा, क्या होगा सही आंसर। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है किनके लिए, 392 वा क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और 392 में आप सभी का सही आंसर होगा महादेव वर्मा को। सरल क्वेश्चन है, कई बार बताया है इसको, सभी के लिए पता होगा, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेव वर्मा, छायावाद के चार स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, निराला पंत और महादेव वर्मा, एक छायावाद चार स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 93वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिएगा प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है, बताइएगा प्रसाद पंत निराला या फिर बच्चन। सुभाष पांडे जी 93वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लें और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, पंत सही आंसर है, विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा, सुमित्रा नंदन पंत। ये जो है सुमित्रा नंदन पंत जो है, इनके दो उपनाम थे कलाधर और झारखंडी नाम, इनके दो नाम थे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जो है इनको प्रकृति का सुकुमार राजकुमार ये कवि कहा जाता है, अप्सरा लोक का कवि कहा जाता है, स्वरसिद्ध कहा जाता है, गोसाई दत्त भी जो है इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पढ़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है, बताइए नगेंद्र या फिर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। सलोनी जी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 दिया गया है और 94 में आप सभी का सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी सही आंसर है, यानी कि रामकुमार वर्मा आप सभी का सही आंसर होगा। रामकुमार वर्मा जी ने ये जो है छायावाद को परिभाषित इस प्रकार किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 95, इन कवियों को आरोही कालक्रम में बताना है कौन सा, विकल्प आपका सही आंसर होगा, आरोही में बताना है, बताइए 95 वा क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है, चयन करिएगा, ये कवि यहां पर दिए गए हैं और आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आप सभी का यहाँ पर 95 में सही आंसर होगा। सबसे पहले तो आएंगे अपने प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी, महादेव वर्मा जी, विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रसाद जी का जीवन काल जो है 1889 से 1837, निराला जी 1899 से 1889 से 1937 और फिर निराला जी 1899 से 1962, सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977, महादेव वर्मा इनका जो जीवन काल है 1907 से 1987 माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 96 दिया गया है, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है अंध रूढ़ी की प्रतिक्रिया या फिर पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। 396 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए।
आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सलोनी जी, 96वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने चयन किया है, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को इसमें व्यक्त किया गया है। ए पंक्ति निराला की कविता भिक्षुक से ली गई है ये पंक्तियां। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है, बताइएगा, चयन करिएगा। आत्मानुभूति की व्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। इनमें से छायावाद की विशेषता से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। बहुत बढ़िया, बिल्कुल तनु जी यहाँ पर बिल्कुल सही। इनके जो निराला जी का जन्म है, इसमें बहुत सारे जो है विद्वान अलग अलग मानते हैं। बहुत बढ़िया, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण जो है ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेव वर्मा के काव्य संग्रह का सही क्रम बताना है, किस प्रकार आपका सही विकल्प जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, चयन करिएगा हरीश जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा महादेव वर्मा की रचना, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेव वर्मा जी को, और इनकी यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं जिसमें निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। 98वें में विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है कौन सा, सी, उनका सही आंसर है निहार की रचना 1930 में, नीरजा 1935, सांदगीत 1936, तो वहीं दीपशिखा 1942 इसका रचना काल है। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जामों में ये आया हुआ क्वेश्चन है। श्याम सुंदर दास, बालमुकुंद गुप्त, प्रेमचंद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, बताइए। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? 99वें में सही आंसर चयन करना है, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 99वें में डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। 400वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 400, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चित तुम हो सिद्ध करोगी उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका माना जाता है? लक्ष्मण या फिर जाम्बवान या फिर सुग्रीव या फिर विभीषण, 400 में चयन करना है। 400 में एक बार लाइक कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अंश जी, प्रियंका जी। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सखा त्रस्त, तो निश्चित तुम हो सिद्ध करोगी उसे ध्वस्त। तो ये पंक्तियां जो है राम की शक्ति पूजा से ली गई है, ये कथन किसका है? जाम्बवान, आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आप सभी का बी वाला जो है वह सही आंसर है। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है, किन की? सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद निराला या फिर रामकुमार वर्मा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 401, और 401 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? ललिता यादव जी, चयन करिएगा, सभी लोग बताएंगे। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है, 401 में चयन करना है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है पहली कविता, 1916 की, जो 1916 इसका प्रकाशन है, पंत जी की पहली कविता मानी जाती है। प्रसाद जी की पहली कविता है सावन पंचक 1906, और भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता जूही की कली 1916 इसका भी प्रकाशन माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर 402 है, क्या है? हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? जिनको भी हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो, तो मात्र 199 रुपये में है, और 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली जो पीडीएफ है भाई, जिनके लिए भी चाहिए हो तो भाई 299 रुपए में है, ये पीडीएफ आपके लिए मिल जाएंगी दोनों 400 में अगर एक साथ लेते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, संपर्क कर लें, और आप सभी का सही आंसर होगा राम बन बेला होगा सही आंसर। ए काव्य पंक्तियां निराला की किस कविता में है?
बनबेला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम बताइए, कौन है बताइए। वियोगी हरि हैं, राय कृष्ण दास हैं, या फिर वेदव बनारसी हैं, श्रीनाथ सिंह हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 403 वा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 403 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि यहाँ पर आपका राय कृष्ण दास आप सभी का सही आंसर होगा। राय कृष्ण दास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। वियोगी हरि की रचना वीर सतसई एवं चर का स्रोत मानी जाती है वियोगी हरि की रचनाएं। लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है, बताइएगा वह दो खंड कौन कौन से हैं। 404 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर, तो चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो दो खंडों में विभाजित है, भाई दो खंड हैं आस्था जी कौन कौन से, ब्राह परिवेश और अंतस चैतन्य। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, जिन्होंने ए चयन किया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिएगा, छायावादी, हालावादी, प्रयोगवादी या फिर प्रगतिवादी। चयन करना है, बताइएगा किस जो है काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 405 यहां पर दिया गया है और 405 में आप सभी का सही आंसर है ये हालावादी, आप सभी का सही आंसर है हालावादी, आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा है हालावादी। बच्चन प्रेम और मस्ती काव्य के अंतर्गत आते हैं, इनकी रचना मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का काल आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। 406वां क्वेश्चन है, ज्ञान भिन्न यहाँ पर दिया गया कि ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सकें, यह विडंबना है जीवन की। उपरोक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं बताइए। चयन करिएगा सभी लोग। हाँ तन्मय जी बहुत बढ़िया, तो आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर कि 406 में विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है डी, रहस्य से, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। रहस्य आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और रहस्य रामायणी में ही एक सर्ग है रहस्य, उसी से पंक्तियां ली गई हैं और रहस्य जो है 14वां सर्ग माना जाता है, कामायनी में 15 सर्ग हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से बच्चन जी की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है बताइए। चयन करिएगा सभी लोग, प्रकाशन काल की दृष्टि से बताना है। क्वेश्चन आपका 407 है, चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, साथ में विकल्प नंबर डी होगा सही आंसर। सबसे पहले निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा, ये जो है आपका सही आंसर होगा। निशा निमंत्रण 1938 की रचना है, मिलन यामिनी 1950 और प्रणय पत्रिका चंगन और 1973 में जाल समेटा रचना जो है प्रकाशित हुई थी, जो कि हरिवंश राय बच्चन की मानी जाती है। चंद्रमान जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है, 8 में आप सभी के लिए चयन करना है बताइए, इन दोनों विकल्पों में से बताइए दीजिएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, प्रसाद जी की कृतियां किस विकल्प में है चयन करिएगा। 408वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 408 में आप सभी का सही आंसर होगा कि देखिएगा यहाँ पर झरना, लहर, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, ये जो है आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये रहा कि दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्तियां किस कृति की हैं, चांद चांद का मटेला, साकेत, कामायनी या फिर यामा। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 9 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है।
सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा, दुख की पिछली रजनी बीच में कसता सुख का नवल प्रभात। इसी प्रकार जो है रोज सभी लोग जुड़िएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं। बहुत जो है थोड़ी सभी लोग जुड़ते हैं तो अच्छा जो है मजा भी आता है। और अपना यहाँ पर 409वां क्वेश्चन दिया गया है, ये पंक्तियाँ जो हैं किस कृति की हैं, तो कामायनी आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आप सभी का सी जो है वह आपका सही आंसर है। कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है उसी से पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष बताइए, 1935, 1934, 1936 या 1933। चयन करिएगा गीतम जी, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष बताना है। और मधुशाला मधुबाला बच्चन जी की रचनाएं मानी जाती हैं। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1935। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1935। मधुबाला 1936, सॉरी मधुशाला पूछा है, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936 और मधुकलश 1937 में प्रकाशित हुई थी। हाँ, ये जो है तीनों ग्रंथों को हालाबाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन माने जाते हैं बताइए। 11 में आप सभी के लिए चयन करना है, टमाटर जी क्या होगा सही आंसर, निशा निमंत्रण के रचनाकार 411 में आपको बताना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, हाँ दीपक जी, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर भी सही आंसर है, हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी की रचना निशा निमंत्रण प्रणय मूलक व्यक्तित्व धारा काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन ने निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलनयामिनी, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका आदि महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। अपराजिता के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, अपन ने याद किया था अपराजिता, ये किन की रचना मानी जाती है, नरेंद्र शर्मा, अंचल दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो आप सभी का सही आंसर है अपराजिता, ये रचना है अंचल जी की, अपने ही अंचल में अपराजित हो गए, अपने ही अंचल में अपराजित हो गए, तो अपराजित से अपराजित, अंचल से रामेश्वर शुक्ल अंचल, उन्हीं की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही, रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य में नारी के प्रेम और सौंदर्य की उदात्त कल्पना की गई है, अपराजिता इन्हीं की रचना मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन, हालाबाद के प्रवर्तक का नाम बता दीजिएगा कौन माने जाते हैं। अब भी पढ़ा था अपन ने, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया, नरेंद्र शर्मा है, रामेश्वर शुक्ल अंचल है या फिर जगदीश गुप्त है, हरिवंश राय बच्चन है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि विकल्प नंबर डी सही आंसर है, हरिवंश राय बच्चन। हालाबाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन, प्रेम और मस्ती का कवि भी कहा जाता है इनको, और बच्चन को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्तियां किस कृति से ली गई है, मधुशाला, मधुबाला, या फिर मधुकलश या फिर पलाशवन बताइए। लाइक करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, ये पंक्तियां जो हैं किस कृति से ली गई हैं ये आपको बताना है। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर, बिल्कुल प्रमोद जी, मधुकला से यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है, हरिवंश राय बच्चन की रचना मधुकला, उसी से पंक्तियां ली गई हैं। सूर्य बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जलहाला, ये मधुशाला की रचनाएं मानी जाती हैं। बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पढ़ता पाला, ये मधुबाला की रचनाएं हैं। और आप सभी के लिए बताने, हिंदी काव्य खालिस्तान मांचलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, बच्चन हैं, पंत हैं, प्रसाद हैं, कौन माने जाते हैं। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर कमेंट में आप सभी लोग चयन करिएगा, इसका आंसर कमेंट में लिखना है। हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्नों की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो तो 199 रुपये में संपर्क कर ले, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी जी, बिल्कुल। और सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लेंगे, रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, एक सुबह भी क्लास होती है 9 बजे, जहां पर भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं अपन।
तो उसमें भी सभी लोगों के लिए जुड़ना है। तनु जी, आस्था जी, राजीव जी, आनंद जी, रीता जी, निशा जी, साधना जी, राहुल जी, कल्पना जी, मेधा जी, नीता जी, मंजू जी, मनीषा जी, लवली जी, शिवानी जी, अंश जी, उमेश जी, निशा जी, आस्था जी, दिनेश जी, तन्मय जी, और प्रमोद जी से पूछ लीजिएगा, तन्मय जी, रेखा जी, और सुनैना जी, साधना जी, शिवानी जी, गीतम जी, सीमा जी, संजू जी, निशा जी, अनिल जी, नीलम जी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी, इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चन आंसर लाते रहते हैं। साधना जी, हरीश जी, दिनेश जी, रेखा जी, आस्था जी, मनीषा जी, पंकज जी, अंश जी, बिल्कुल। अनिल जी करवा देंगे और क्वेश्चन, रोज अपनी क्लास तो चल रही है अनिल जी, आपके लिए करवा देंगे और क्वेश्चन। कल मिलते हैं अपन। हाँ, दीपमाला जी, नीता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।